फाइनली लॉन्च होने जा रही है वन प्लस नॉर्ड सी 4 जो कि 1 अप्रैल को 6:30 बजे लॉन्च होगा। तो लॉन्च होने के पहले बहुत सारे स्पेक्स जो है सामने आ चुकी है, हर कोई इसके बारे में जान बुझेगा। अगर आपको नहीं पता तो इस वीडियो को लास्ट तक देखो। और वन प्लस नॉर्ड सी 4 का प्राइस क्या रहने वाला है, सारे कुछ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो अगर आप चैनल पर आए हैं तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना कि किस तरह का ऑसम वीडियो हम इस चैनल पर लाते रहता हूं। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम संजय और स्वागत है आपका टेक डी टू के एक और नए फ्रेश वीडियो। वन प्लस नॉर्ड सी 3 जब लॉन्च हुआ था काफी ज्यादा लोगों को पसंद आया था। जस्ट इसी रिगार्डिंग वन प्लस सी 4 लॉन्च होने जा रही है 1 अप्रैल को, जैसे मैंने कहा आपको, और लॉन्च के कुछ दिन बाद ही एक सप्ताह बाद मान के चलो फ्लिपकार्ट अमेज़न पे अवेलेबल आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग प्राइस का, कितने रेंज में आपको ये फोन देखने को मिल जाती है। तो जो कि एक्सपेक्ट प्राइस दिखाया जा रहा है वो है 25,000 के रेंज में आपको मिल जाएगा, जिसमें फिलहाल अभी एक ही वेरिएंट दिखा रहा है R256 का वेरिएंट, वो वेरिएंट आपको देखने को मिल जाएगा। एंड हां, ये आपको फिलहाल 2 कलर में होगा, जो कि अभी OnePlus का अगर आप साइट में विजिट करोगे तो वहां पर भी आपको शो होगा। एंड रिसेंटली उन्होंने OnePlus का जो ट्विटर हैंडल है ट्वीट किया था, उन्होंने 2 कलर उसमें दिखाया था होली के दिन, आपने शायद देखा होगा। तो 2 कलर में से पहला कलर हो गया डार्क क्रोम एंड सेकंड कलर हो गया सेलेडन मार्बल। यानी सिंपल भाषा में बात करो तो एक आपको व्हाइटिश कलर का देखने मिलता है, हल्का एक ग्रीन टाइप का कलर का आपको देखने मिलता है, ये 2 कलर में अवेलेबल है। कुछ इस टाइप का आपको देखने मिल जाता है, आपको वर्टिकल ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने मिलता है। बट हाँ, ट्रिपल कैमरा नहीं, एक्चुअली डुअल कैमरा है, एक कैमरा जो है वो कैमरा नहीं है, कैमरा की तरह दिख रहा है आपको, लेकिन वो फ्लैश है, जो सर्कल फ्लैश होता है, राउंड फ्लैश जो चल रहा है अभी फिलहाल, उस टाइप का फ्लैश आपको देखने को मिल जा रहा है। इसमें आपको 6.7 इंच का एमोलेड डिस्प्ले विथ 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ देखने मिल जाएगा। साथ ही साथ इसमें पंच होल फ्रंट कैमरा देखने मिलेगा, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट। एंड अगर कैमरा की बात करें तो 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देखने मिलेगा विथ OIS एंड 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा। और साथ ही अगर फ्रंट कैमरा की बात करें तो 16 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाएगा। इसके साथ जो साइड मेंशन किया गया, Snapdragon 7 Gen 3 का प्रोसेसर आपको देखने मिलता है, काफी ज्यादा सही है, मतलब काफी ज्यादा फास्ट प्रोसेसर है, 25 ऊपर नहीं आएगा, 25 से नीचे होगा, 22 तो ये था कुछ लीक्ड स्पेक्स जो मेरे पास आया था, तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर दिया जाए। अगर आप OnePlus लवर हो, OnePlus का फोन आपको काफी ज्यादा पसंद है, एंड अगर आप OnePlus का कोई फोन लेने का सोच रहे हो तो थोड़े दिन रुक जाओ, लॉन्च होने के बाद OnePlus C4 को भी आप परचेस कर सकते हो। बाकी हाँ, इसमें मैं कुछ अपना पर्सनल रिव्यू दूंगा। मैंने रिसेंटली एक कम्युनिटी पोस्ट किया था कि OnePlus का जो डिजाइन है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। क्यों पसंद नहीं आया? क्योंकि जनरली तो OnePlus अपने डिजाइन से ही जाना था। OnePlus Nord C3 जो था इसके पहले, उसका डिजाइन देखो आप, काफी ज्यादा प्रीमियम डिजाइन लगता था। बट हाँ, ये डिजाइन जो वर्टिकल कैमरा सेटअप देती है ना, ये जनरली सैमसंग का डिजाइन होता है, इस टाइप का उसी टाइप का फील कर दिया गया, जो कि मुझे पर्सनली सही नहीं लगा। मेरा पर्सनल ओपिनियन लिया जाए तो बाकी आप में से बहुत किसी को डिजाइन सही लगेगा, बट हाँ मुझे बिल्कुल सही नहीं लगा। मुझे इस टाइप का कैमरा सेटअप फिलहाल पसंद नहीं है, जो कि OnePlus का ऐसा नहीं होना चाहिए था, जो कि सैमसंग का D2 उस टाइप का लग रहा है। बाकी तो आपको OnePlus का लोगो वगैरह मिल रहा है, ठीक है, कलर भी सही है, मतलब कलर काफी कूल है। जो आपका सेलेडन मार्वल वाला कलर है उससे बेटर आपको जो डार्क क्रोम है वो कलर और ज्यादा बेटर लग रहा है, मतलब प्रीमियम फील आपको देगा। बाकी आपका पर्सनल चॉइस होता है, कोई भी कलर आप परचेज कर सकते हो, कलर में कोई भी प्राइस का इधर उधर नहीं होने वाला, प्राइस सेम रहेगा। बट हाँ, अभी जो है R256 वेरिएंट एक ही लीक हुआ है, अब पता नहीं इससे नीचे वेरिएंट निकलेगा या ऊपर वेरिएंट निकलेगा, वो तो जब लॉन्च होगा तो ही पता चलेगा। अब यहाँ पर बात करें तो साइड में इन्वेंशन दिखा रहा है, अर्ली बेनिफिट्स आपको मिलने वाला है, अपटू 90% ऑफ ऑन प्रोटेक्शन पैकेज। एंड बाकी लॉन्च होने के बाद भी बहुत सारे ऑफर्स वगैरह चलेगा, कार्ड वगैरह पे जनरली ऑफर्स वगैरह रहता है, कोई भी फोन वगैरह लॉन्च होता है तो थोड़ी देर वेट कर लो, 1 तारीख को हाँ जरूर लाइव आना, वो लोग OnePlus का जो ऑफिशियल YouTube हैंडल है उसमें जरूर लाइव आएंगे, तो देखना काफी ज्यादा सही लॉन्च होने वाला है, मैं भी लाइव रहूंगा। उसके बाद और ज्यादा कुछ स्पेक्स अगर मुझे पता चलता तो मैं आपके सामने जरूर शेयर करूंगा। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह का ऑसम वीडियो हमारे साथ चैनल पे लाते रहता हूं। हाँ, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।